अरे जियो मालिक जियो बाबा तूफान जी, क्या बात है। देखिए हमारे मास्टर साहब तूफान जी कोनो गीत का संकेत कैलन श्याम देव भैया, ये हमारे मास्टर एकदम चंचल हवन, एकदम एक पर एक पेशले रही हम। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए बा, बा, बा। संकेत करता है मेरी जान, बचपन से लेकर के अब तक तुम हमारी रही, लेकिन हमारा प्यार तुम्हारे साथ रहे यह मेरा सोच है। बा, बा। वह कह रहा है क्या हमारी खूटा से हमारी खूटा से छुड़ा गई बुका भूखा शादी होते जा भुला जाए भूखा छोटा से छुड़ा जाए भूखा साथियों, उजाला फिल्म्स की प्रस्तुति से मैं बिरहा गायक गौरी शंकर यादव एंड फ्री पार्टी की ओर से आप लोगों के बीच में यह बिरहा भेजने जा रहा हूं। आप लोगों से आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जैसे हर कलाकारों को आप लोग प्यार दुलार देते हैं, हमारे इस गीत को आप भी दुलार प्यार देंगे। कहना हो मालिक माटी में मिल जाई माटी के तनवा जहनवा बिछड़ भर में हो जाई माटी माटी में भक्ति से शक्ति समाइल फुलाइल जहनवा में भक्ति बिन माटी माटी बसोना यो चांदी रतन धनी अरे सजावा पिजावा भी हो जाए माटी अरे माटी में मिल गई ले गुरुवर बिहारी बबलू कवि रामायण के तनवा बमाटी Yeah.
ए बाबू बतावल जाला ई माटी का शरीर हम मटिया में मिल जाए तो कुछ ऐसा समय निकाला, कुछ ऐसा समय निकाला कि भक्ति भजन कहके अपने मानव रूपी शरीर के उद्धार केला। विधान में गजल के बोल लगल मास्टर साहब, अरत कुदरत सनम तुमको, कुदरत सनम तुमको क्या शौक दादी है, कहना बा कैसे। अरे सृष्टि के जन्मदाता, सृष्टि के जन्मदाता संसार पर आया है, हमार कहानी की शुरुआत भेल। बिहार में नजम के लाइन लग गई, किसी नगर में करीब सिद्धि आए है, किसी नगर में करीब सिद्धि आए है, नई नवेल बहुत रवाज पर पाए है, संत बहु को सिखार चले, बताना बेटी अपनी उम्र इस समैया की, बताना बेटी अपनी उम्र इस समैया की, क्या है उम्र तेरे सास ससुर सैया की, रिद्धि सिद्धि घूमते घूमते किसी नगर में गए हैं और सुंदर दुल्हन दरवाजे पे देख करके साधु बाबा गए हैं, जा करके कुछ बात को कहना चाहते हैं, दुल्हन भिक्षा देना चाहती है, खुश होकर के वह रिद्धि सिद्धि बाबू बाबा बतावत हुआ कि अय प्यारी अय दुल्हन ये बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है। ए बाबू इतनी बतिया जब वो दुल्हन सुन ले, बड़ी हर्षित भइल, बड़ी खुश भइल, आ सुन के बाबू हो ओ बाबा से एक बात बतावे, क्या बतावे मास्टर साहब, उहे गीत के अंदाज में मास्टर साहब कैसे यह गीत के
गोड़ नाच कलौंडा बड़ी हसकाई के गावे ला कैसे लेकिन ये बाबूजी ओ समय साधु बाबा के बसिया के सुन के ऊ दुलही ने एक बात बतावे का बतावे अरे तस्तीरावा झुका के बोली मधुरी बाचनिया अरे दोनों हाथ जोड़ के कहली बाबा से दुलहिनिया दुल्हन बड़ी प्यार से ओ बाबा के बताओ थे कि बाबा हमार उम्र जान जान थी ना हमार उम्र अब ही मात्र 13 साल का भइल हो मात्र 13 साल का भइल हो बाबा कुछ कहल चाहत है ए बाबू ओ रिद्धि सिद्धि साधु बाबा बतावत हो मन विचार कहके का बताओ थे मास्टर साहब बिहार में कोनो गीत लग गए कौनो दुलही ना परे दुल्हा के संकेत के लिए रहल का कहे मास्टर साहब अरे तरोई मारब ए राजा जी अरे तरोई मारब ए राजा जय बाजो पूर्व कय दसावा
अपन और बतावत हो, लेकिन बाबा सुनत हो एक बात और बतावे दुल्हन का बतावे मास्टर साहब। अरे रोई रोई साधु जी से हे भैया, रोई रोई साधु जी से और जा सुनावानी हो, कि बाबा आप असमंजस में कहे फसल है, कुछ पूछल चाहते हैं तो बाबा पूछ सकीला। दुल्हन बताओ थे कि बाबा आप अंतर्यामी है ना, आप कुछ जानत है ना, तो कहे मन विचार करते हैं। एक बात और बतावे का बतावे, दुनिया के दाता प्रभु भाग्य के विधाता प्रभु, हमार तो उम्र 13 साल का हो, लेकिन हमार सास को मर जाल जाल थी, हमारे सैया को मर जाल जाल थी, हमारे ससुर को मर जाल जाल थी, हमार सास को उम्र ए बाबा मात्र 3 साल का हो। बाहर मालिक बिरहा सुनने वाले भाई जरा गौर करेंगे, दुल्हन अपनी उम्र 13 साल की बता रही है और अपने सास की उम्र मात्र 3 साल की बता रही है। ए बाबू ये तबतिया सुन के उस सिद्धि बाबा सोचत हो मन में, विधा में कौन गीत लगे मास्टर साहब। अरे तो बोला जाने बोला, अरे तो बोला जाने बोला, पपिहारा हरि के बोला जाने बोला, हमारे सैया कुमार जान चाहते हैं ना, हमारे सैया कुमार जान चाहते तो हम बताओ थे क्या बताए मास्टर साहब। अरे तो बोले दुल्हनिया रे भैया, बोले दुल्हनिया बचनिया बाबा से बोली दुल्हनिया, एक वर्ष सैया के हमारी उमरिया,
तसरनिया बाबा से बोली बचनिया। भैया हो बाबा के शरण में अपने मस्तक की दुल्हन झुकोले हो। बाबा जाना चाहते हो ना कि हमारे सैया कुमार का हो। ए बाबा हमारे सैया कुमार मात्र एक साल का हो, मात्र एक साल का हो बाबा। बाबा सुनन चक्ति हाय लग लग कहना कि ओहो आखिरकार क्या बात है, दुल्हन अपनी उम्र 13 साल की बता रही है, अपने सास की उम्र 3 साल की बता रही है और अपने पति परमेश्वर की उम्र मात्र 1 साल की बताओ थो। बाबा बाबू सोच ही पड़ गई, शैली का भाव निकल गई। अरे पाई ना भव से मुक्ति तनवा, भैया पाई ना भव से मुक्ति तनवा, मन से काम को मद मोह मिट जाए, मन से काम क्रोध मद लोभ मिट जाए, पाइना भव से मुक्ति तनवा। ए बाबू जब से काम क्रोध मद लोभ मोह ए शरीर से ना मिटी तो दुनिया के मोह माया में हमन के भूलल रह जाएगी परी। देखे बाबू कवि जी के कलम संकेत करते हो का संकेत भाई मास्टर साहब। ईश्वरी बाबू मिट्टी कहो मालिक हमन के कुम्हार जैसन खड़ा पे रख के मिट्टी का हमन के बनावे लगे तो कवि जी के कलम संकेत के लस कैसे बाबू। अरे तक कुहरा घर के चिकन मटिया घरी ला बनावाली, अरे घरी ला बनावाले, अरे घरी ला बनावाले, कुहरा घर के चिकन मटिया घरी ला बनावाली हो, घरी ला लेके पनिया भरन जाल नौरा किया हो रे, हे बाबू अपने अंतर आत्मा में साधु बाबा जब अंतर ध्यान भैलन है परम पिता परमेश्वर से जब नेह लगौलन है तो कवि जी लिखलन का लिखलन अंतर आत्मा में पूरी ध्यान वाला गावाला, अरे ध्यान उमर सुनी साधाला जगावला हो रा क्या हो रा रे, उमर सुनी साधाला जगा क्या हो रा रे, आए है बाबू अंतर आत्मा से बाबू देखा थोन सोचा थोर मन में तो भैल का हरी अनंत हरी का हाय अनंत हरि का, हरी अनंत हरी का हाय अनंत हरि का, हाय अनंत हो दबा न पावे जग में नारन हो बाबू अंतरात्मा में बाबू परम पिता परमेश्वर से जब अपन नेह लगौलन है बाबा के समझ में आ गई कि दुल्हन क्या कह रही है। हे भैया हो
इहे बतिया बाबा मन में सोच के आज भजन गावत चल रहे हैं। आज जब भजन गावत चलन है मास्टर साहब तो कैसे गावत हो बाबा? इहे बाबा भजन गावत जात हो। अरे तर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजले मनवा सीताराम राधे श्याम बोलो जय घनश्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम राधे श्याम बोलो जय घनश्याम। हे बाबू आज दुल्हन दुरिया पे खड़ा हो बाबा भजन गावत हवन। वो भजन के सुन के टोला पड़ोसा का लोग जुट गए। आज जब टोला पड़ोसा का लोग बाबू जुटलन हा वही समय ससुर जी भी मौका पर आ गेलन। आज जब मौका पे आ गेलन हो बाबू देखत हन कि हमार बहू हमार पतो ए बाबा का भजन सुनत हो। ये हमें तो बाबू बात गड़बड़ हो गई। उठा लिए अपने डंडा को हाथ में और चलाना चाहते हैं अपने बहू के ऊपर। तब तक वो बाबा वही डंडवा को रोक ले लग कहन की नहीं आप गलत काम मत कीजिए। इस दुल्हन से पूछिए अपने बहू से पूछिए कि इसका भाव क्या है। ए बाबू वो समय फकीर बाबा का बतिया के सुन के लोग सोचे लगन कि फकीर बाबा से आखिर कौन बात भइल। फकीर बाबा के बात के सुन के दुल्हन बतावत थे कि न हमार गलती हो न बाबा की गलती हो। बाबा हमसे सवाल किलन की बतावा कि तुहार उम्र का हो तुहरे सास ससुर सैया को उम्र का हो। आप लोग जानना चाहते हैं ना तो हम बता देते हैं कि हमार उम्र 13 साल हो। हमारे सास को उम्र 3 साल हो। हमार सैया को उम्र 1 साल हो। आई जन हमार ससुर जी डंडवा लेके हमके मारे चलत हुआ इनकर अब ही जन्मे ना भइल हो। ये हमें तो बाबू लोग सोच के परेशान हो गए कि आखिरकार ये दुल्हन बतावत थे का। ए बाबू फकीर बाबा स्पष्ट कर थोन की बेटी बताओ तुम्हारा भाव क्या है तुम्हारा कहना क्या है। दुल्हन बतावत थे कि ए बाबा ए परिवार में हम अली है घर में अली बड़ी खुशहाल ही परिवार रहल हम अपने नैहर से भक्ति भजन भाव में लीन रहनी। आज जब हम ससुरा में आ गली तो हम भक्ति भजन भाव में लीन रहली। ए बाबा हमके भक्ति करत 13 साल हो गई यही से हम अपन उम्र की मान लेनी कि हमार उम्र 13 साल हो। हमारे सास के भक्ति भजन करत मात्र 3 साल भइल हो यही से हम मान लेनी कि हमार सास की उम्र मात्र 3 साल हो। बड़ी समझ होला के बाद बड़ी निवेदन कैला के बाद हमार स्वामी हमारे पति जी भक्ति भजन करत हुए तो 1 साल भइल यही से हम इनकर उम्र 1 साल मान लेली। ससुर जी के तो बहुत समझौली बड़ी कुछ कहली लेकिन ससुर जी खाली डंडवे लेके दौड़े लग। ए भैया ए बात के लोग जब सुनलन हम अवाक हो गलन कि वाह कितनी अच्छी बात बता रही है यह बेटी। इस बात को सुन करके सभी लोग अवाक हो गए। तो कभी जी अल्लाह के लाइन में लिखत हूं आदि के शवादि जैसे जान नाही बनरा भैया कला युग में वही सना अब
चौथी पर रहने का बहु के बजनिया भैया बात के जब सास ससुर सुन ल दौड़ के उस सिद्धि बाबा के चरणों में गिर करके अपने मस्तक को झुका लेते हैं और क्षमा याचना करने लगते हैं कि बाबा हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोगों की दुल्हन हम लोगों की बहू इतनी अच्छी सोच वाली होगी। आज हमारे के आंख का पटरी खुल गई बाबा कि संसार में इतना स्वर थी पाके घमंड ना करके चाहिए। कवि जी कर्म संकेत के लिए थोड़ी कलाइन लग गई हरि भजन के बिन ठाव कहे ना पाई बाबा बुझी सत्यग में का तू लेके आइला का लेके जाई बाबा बाबू सभी लोगों को वह दुल्हन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है अय भैया अय बाबू अय माताएं अय बहने समय निकाल करके उस परम पिता परमेश्वर के नाम को भजिए जिस परम पिता परमेश्वर के नाम से सुर कबीर तुलसीदास जी का तारंतार हुआ जिस परम पिता परमेश्वर के नाम से एक भैंसा पकड़ा काटने वाले जैसे सदन कसाई का तारंतार हो गया। दुल्हन एक बार फिर उसी बात को दोहराती है कहती है क्या अरे तीन साल के सास हमारी कर नित्य पूजा अरे एक साल पति के हमारा और नहीं दूजा जब मानव का शरीर पाए हो कभी क्रम संकेत करती है मालिक का नाम लो मालिक का गुणगान करो आपका इसी में कल्याण है अंतिला में कहना हो गुरु बिहारी गुरु गणेश करनी पर पछताए पवनु कभी राजदेव जी भक्ति में भाव रमाए अरे पाई ना भव से मुक्ति तनवा भैया पाई ना भव से मुक्ति तनवा यादव गोरी